तो मिथिला मछलीज पर हम ताजा अपडेट बता दें, दरभंगा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के पाए जाने के बाद इलाके को किया गया है सील। शोभन से अभी 8 मरीज के परिजनों को भेजा जा रहा है दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में, यानी डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में शोभन से 8 पॉजिटिव मरीज के परिजनों को एवं दरभंगा के वार्ड नंबर 20 में जहां पॉजिटिव मरीज रह रहा था उसके मां और ससुर को भी पुलिस ने डीएमसीएच भेजा कोरोना वार्ड में, सबों की जांच की जाएगी। इसके अलावा डीएमसीएच में सभी मरीजों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, कल भेजा जाएगा पटना, और वहीं उस पूरे मोहल्ले को सील किया जा रहा है, यानी कि घर में 100 से भी ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया। उसमें सभी पॉइंट हमने चिन्हित कर लिए हैं, थाना स्तर से उस पर फोर्स की नियुक्ति कर दी जाएगी और एक ही पॉइंट हम लोग रखेंगे एंट्री और एग्जिट के लिए, जहाँ से कि जो आवश्यक सामान है उनकी सप्लाई वगैरह होगी। तो हम लोग ने सारा एरिया देख लिया है और हम लोग बहुत जल्दी अभी तुरंत ही इसमें जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो भी कर देंगे और नगर निगम के द्वारा यहाँ पर माइकिंग भी करा दी जाएगी ताकि लोगों में अवेयरनेस हो जाए और वो जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से अनुपालन करें। दरभंगा डीएमसीएच में भेजे गए सभी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है जहां उनकी सुरक्षा एवं सभी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पॉजिटिव मरीज के परिजनों से उसके इतिहास खंगाले जा रहे हैं, जहां सिटी एसपी ने कहा कि इलाके को सील किया गया है, वहीं उस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर चिन्हित किया जा रहा है और केस हिस्ट्री जाना जा रहा है। ये क्षेत्र है उसमें आसपास के जो भी एक पर्टिकुलर रेडियस निश्चित किया गया है उसमें हम लोग सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके लिए 9 पॉइंट्स है, उस 9 पॉइंट का हम लोग चिन्हित कर लिया, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक एंट्रेंस से एक एग्जिट रखा जाएगा जिससे जो भी सामान आवागमन का जो भी सामान है वो उसी से आएगा, उससे जाएगा, बाकी जगह फुल सप्लाई हो जाएगी। और जितने भी व्यक्ति अपने घर पे ही रहेंगे उसके लिए हम अनाउंसिंग करा रहे हैं, अनाउंसमेंट करा रहे हैं और होम डिलीवरी का भी सिस्टम चालू कर रहे हैं जिससे लोगों को उसके तहत जो भी आवश्यकता की या रोजमर्रा की जो चीज़ें चाहिए होंगी उससे पूर्ति कर दी जाएगी। मेडिकल की भी टीम भी पहुंचेगी जांच के लिए? हाँ, मेडिकल की टीम भी अभी गठित कर दी गई है, वो होम एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग हम लोग करेंगे कि ये लक्षण होगा नहीं होगा सुरक्षा के लिहाज से। तो मिथिला मछलीज पर अपडेट बता दें, दरभंगा के सदर एसडीओ और डीएसपी शोभन पहुंचकर इलाके को सील कर रहे हैं एवं उनके परिजनों को भेजा दरभंगा डीएमसीएच। वहीं वार्ड नंबर 20 के गली मोहल्ले को सील किया जा रहा है। इस संबंध में वहां जो कई लोगों ने बताया कि इस इलाके को पूरी तरह सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। नाम के एक व्यक्ति हैं जो मिस्कार टोला में किराए पे रहते हैं, ये दिल्ली लॉकडाउन से पहले अपना इलाज कराने गए थे और लॉकडाउन के दौरान आज से 4-5 दिन पहले यहाँ आ गए। यहाँ मोहल्ले वालों ने मना किया, जब पता लगा कि वो आने वाला है काफ़ी मना किया कि यहाँ भी आने की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, लेकिन ये नहीं माने, आए, अपने परिवार को शोभन में रख दिया और फिर वो रात में रिक्शे से यहाँ आ गए। और उसके बाद जब प्रशासन को पता लगा, मोहल्ले वालों ने कंप्लेन किया कि इस तरह से बाहर से इनकी जांच होनी चाहिए, तो जांच होने के बाद जो है वो पॉजिटिव पाया गया, जिसको लेकर अभी पूरे इलाके को सील किया जा रहा है और यही मामला है। और ताकि उनकी माँ वगैरह भी जो यहाँ थी उसको भी अभी ले जाया गया जांच के लिए। अभी किन किन अभी उनके माँ को और उनके ससुर को ले जाया गया है। क्या नाम है उनकी माँ के, उनके ससुर को? उनके माँ के नाम का अमारा खातून नाम है और उनके ससुर का नाम शायद मैं नहीं जानता, मैं दिमाग से उतर गया है। कहाँ ले जाया गया उनको? उनको मेडिकल ले जाया गया है जाँच के लिए। नगर निगम के आसपास की ये घटना है और नगर निगम काफी एक्टिव रोल अदा कर रही है। दरभंगा नगर निगम के इंजीनियर एवं कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा नगर निगम के क्षेत्र को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है एवं सील किया जा रहा है। नंबर 20 के मिर्चिका टोली में एक संक्रमित मरीज मिल गए हैं, उनको उनके जांच में पॉजिटिव पाया गया, इसलिए पूरे मिर्चिका टोली को 9 जगह पर सील करना है। 300 घर लगभग है इसमें। 300 घर? तो क्या कब तक सील करना है? अभी आधे घंटे में काम शुरू करेंगे और रात में 9-10 बजे सील करना। खाना पीना कैसे मिलेगा, राहत सामग्री? वो तो प्रशासन जानेंगे, प्रशासन से वो कच्चा सामग्री उपलब्ध कराएंगे सारे परिवार को। नगर निगम क्या क्या करेगी? नगर निगम सैनिटेशन करेगी, सुबह शाम बीचिंग जुमा छिड़ाव करेगी और सील करेगी।
आपको बता दें दरभंगा में एक पॉजिटिव कोरोना मरीज पाए जाने के बाद जहां इलाके को सील किया गया उसी तरह पूरी दरभंगा में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है और लोगों से ये अपील किया जा रहा है कि आप घरों के अंदर रहें। अब सवाल यह है कि दरभंगा में ये कोरोना पॉजिटिव मरीज आए कहां से? सबसे बड़ा सवाल आप दरभंगा की जनता उठा रही है कि बाहर से अभी ऐसे कई लोग हैं जो दरभंगा में किसी न किसी रास्ते से प्रवेश किए। जिस रास्ते से प्रवेश किए क्या वहां पुलिस तैनात नहीं थी? क्या प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को इस बात की सूचना नहीं मिली? आखिर जहां वो ठहरे जिस रास्ते से आए उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? इसे लेकर के दरभंगा में जहां भय का माहौल व्याप्त है वहीं कई सवाल अब जिला प्रशासन के समक्ष उभर रहे हैं। हम बता दें कि दरभंगा में जहां एक पॉजिटिव मरीज पाया गया है वहीं मधुबनी में 5 पॉजिटिव मरीज पाए जाने की वजह से मधुबनी में भी हड़कंप है। दरभंगा के वार्ड नंबर 20 के उस इलाके को सील किया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा बता दें दरभंगा में लोगों से अपील किया जा रहा है कि घर में रहें और हम बता दें कि बाहर से आए लोगों की पूरी जानकारी जिला प्रशासन ने ली थी लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर कुछ इलाके में छुपे बैठे हैं। उन लोगों के विषय में जानकारी देने के लिए जिला प्रशासन ने कई बार अपील की थी, यहां तक कि आशा कार्यकर्ताओं को दरभंगा के विभिन्न पंचायतों, गांव और वार्ड में लगाया गया था कि जानकारी हासिल करें कि बाहर से अगर कोई आ रहा है तो उसके नाम तय करें और इसके अलावा उन्हें अगर किसी भी तरह का लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसकी जानकारी दें। इस बात की सूचना से दरभंगा के लोगों ने अब जिला प्रशासन सवाल पूछना भी प्रारंभ कर दिया है कि आखिर बाहर से किस परिस्थिति में लोग आए। हालांकि बता दें ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ये एम्बुलेंस से दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में जैसा कहना है कि ऑपरेशन कराकर वो एम्बुलेंस से अपने परिवार के साथ आ गए। तो ये भी बता दें कि अभी एम्बुलेंस से बहुत ऐसे लोग हैं जो दरभंगा आए हैं, जिला पुलिस को अब एम्बुलेंस से आने वाले लोगों की भी पड़ताल करनी पड़ेगी। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो साइकिल से, मोटरसाइकिल से, रिक्शा से दरभंगा अपने घर पहुंचे हैं, वो कई जगहों से, यानी कहें तो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, कटिहार, पूर्णिया, ऐसे जगहों से पहुंचे। इस सब की शिनाख्त करना अब काफी आवश्यक है। दरभंगा में पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद से डीएमसीएच में भी हड़कंप है। डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में अगर हम कहें तो अभी 16 मरीज भर्ती हैं, 6 मरीज को नए भर्ती कराए गए हैं। वह बता दें सोवन से पॉजिटिव मरीज के 8 परिजनों को लाया गया है डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है। इन सभी से केस हिस्ट्री पूछा जा रहा है कि वो किन किन रास्तों से आए थे और आने के बाद वो कहां कहां ठहरे, किन किन लोगों के संपर्क में आए, उन लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाएगा। फिलहाल दरभंगा में इन जगहों पर 100 लोगों को उनके घरों में क्वारंटाइन किया गया है और नगर निगम के कुछ कर्मचारियों को आईडी कार्ड एवं मोबाइल नंबर देकर उन्हें बताया गया कि आप उन सबों के घरों तक खाना पहुंचाएं और जानकारी हासिल करते हुए प्रशासन के संपर्क में रहें। तो दरभंगा के नगर निगम के करीब 5 से 7 कर्मचारियों को वार्ड नंबर 20 में उक्त मरीज के परिजनों के अगल बगल रहने वाले लोगों को जिनके को घरों में क्वारंटाइन किया गया है उन लोगों की सुरक्षा और उन लोगों को खाना पहुंचाने के लिए व्यवस्था नगर निगम ने की है और उन लोगों को तैनात किया गया है। इसके अलावा हम बता दें लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य जारी है और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है ताकि पूरी इलाके को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा सके। हालांकि दरभंगा में एक पहला कोरोना मरीज के पाए जाने के बाद से अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 2 दिन पूर्व से ही दरभंगा में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे दिल्ली से आने वाले इस मरीज के रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाएंगे और ऐसा हुआ भी। हालांकि प्रशासन इसे अपने तक सीमित रखना चाहा, पहले पूरी तरह पुष्टि की गई, उसके बाद सिविल सर्जन को, WHO के टीम को वहां भेजा गया कि उस इलाके को पूरी तरह सील करें। इसके बाद जिला प्रशासन ने देर शाम 4 बजे इसकी पुष्टि की, अभिविवत घोषणा की। 5 व्यक्तियों के जो जांच रिपोर्ट थे उसे सार्वजनिक किया जिसमें 3 को निगेटिव, 2 को पॉजिटिव पाया गया। वहीं दूसरी तरफ एक दरभंगा का है तो दूसरा पॉजिटिव
मरीज पूर्णिया का है, हालांकि उसे पूर्णिया में ही रखा गया, उसके ब्लड सैंपल दरभंगा से गए थे, इसे दरभंगा में काउंट किया गया, लेकिन दूसरा मरीज पूर्णिया का है। तो हम बता रहे हैं मिथिला मंच न्यूज पर अपडेट खबर आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहे मिथिला मंच न्यूज।